गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं उठ गया हूँ, इसलिए मैं मस्त तैयार हो गया हूँ और 9 बज गए हैं। तो मैं निकल रहा हूँ कानपुर, क्योंकि आज मेरे लिए एक स्पेशल दिन, आज है मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, कैप्टन अनामिका का। तो चल रहा हूँ कानपुर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो निकलते हैं अभी यहाँ से फटाफट, वरना लेट हो जाएगा। 11 बजे की मेरी ट्रेन है। मेन रोड पे हूँ और चल रहा हूँ चारबाग। गाइस तो अभी ऑटो से निकल लिया हूँ मैं चारबाग के लिए। गाइस तो अभी यहाँ मैंने बस कर ली चारबाग के लिए, अभी चारबाग पहुँच गया हूँ और चले लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं कानपुर। मैंने टिकट ले लिया और मेरी ट्रेन भी आ चुकी है, पहले फटाक से एंट्री करते हैं। तो अभी पूरी ट्रेन खाली है, कोई भी नहीं ट्रेन में, और बहुत टाइमली पहुंच गया हूं मैं। अभी चारबाग स्टेशन पे आ गया हूं और मेरे पीछे ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं अब कानपुर। तो सही स्टेशन है, बाहर से देखने में और खूबसूरत है और बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। आई थिंक 14 या 15 पे रैंक करता है। और ये हमारी ट्रेन पुपोट हो गया, मैं उस तरफ वेट कर रहा था जो कि ट्रेन खाली थी और शाम को जाएगी। अभी इस ट्रेन में और बहुत भसड़ है, कैसे जाऊँगा इसमें, बहुत भीड़ है इस ट्रेन के अंदर। चलिए तो फाइनली भी सीट तो मिल गई है और मैं बैठ गया हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं जल्दी से कानपुर और कानपुर में करते हैं नाम का बर्थडे सेलिब्रेट। अभी ये कुछ व्यू है और हम अभी पहुँच गए हैं उन्नाव और अब पहुँचने वाले हैं कानपुर। जैसे गंगा घाट और ये कुछ व्यू है यहाँ से ऊपर से, आई मीन ब्रिज के ऊपर से। तो वैसे अभी फाइनली हम सेंट्रल कानपुर सेंटर पहुँचे और अब हम चल रहे हैं कानपुर सेंट्रल के बाहर और फिर करेंगे ऑटो और पहुँच जाएंगे नाम के पास। ये बस तो कुछ ऐसा दिखता है कानपुर सेंट्रल ये बाहर से। तो अभी मैं ट्रेन से उतरने के बाद रिक्शे में बैठ गया और चल रहा के घर। अभी गई अनामिका के घर में पहुंचने वाला हूं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं केसा कॉलोनी अनामिका के सोसाइटी के पास। तो चलिए चलते हैं अनामिका के पास। तो मैं निकल रहा हूं अनामिका के साथ इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन में, लेकिन यहां हो रही बहुत कसके बारिश और हम लोग अम्ब्रेला के नीचे अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। अभी लोकेशन पर पहुँच गए और अंदर चल रहा है अनामिका का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चलिए हम भी इन्जॉय करते हैं उनके साथ में। तो अभी हमें अनामिका के बर्थडे में, आई मीन बर्थडे सेलिब्रेशन का चल रहा है। अभी थोड़ी देर में इनका बर्थडे होगा, केक कटिंग होगा, तो हम उसी को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। और यहाँ मस्त ये काम करते हैं और एक और भाई हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट और अभी थोड़ी देर में छोड़ रहा है केक कटिंग। बस यार केक कटने जा रहा है और अनामिका करने वाली अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन। और हम बस अनामिका केक कटने वाली हैं और फिर हम करेंगे उनका बर्थडे सेलिब्रेट। तो अभी अनामिका का बर्थडे हो गया और अब निकल रहे हैं लखनऊ की तरफ। चले चलते हैं घर। अनामिका को हैप्पी बर्थडे और अब चलते हैं लखनऊ। ठीक है, इस तो अभी हम एरिया 47 में एक और नई लोकेशन पे, अनामिका आज दो दो जगह पे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ लखनऊ और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है और अनामिका एंड इनकी फ्रेंड्स यहाँ पे करने वाली हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हम भी थोड़ी देर सेलिब्रेशन के पार्ट करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे घर। बाकी ये काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, ये देखिए काफ़ी सही लग रही है और आई थिंक उससे काफ़ी बेटर है। ट्रेन छूट गई, अभी बस से जा रहा हूँ लखनऊ, पूरी बस फिलहाल खाली है। तो रात के बज रहे अभी 3 और अभी भी बारिश हो रही, मेरी ट्रेन गई थी छूट तो इसलिए मुझे बस से आना पड़ा लखनऊ। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।